दूसरे चरण प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दल जी जान से जुटे हुए हैं। बीजेपी आलाकमान पहले चरण से ही ताबड़तोड़ प्रचार कर रहा है, तो आज भी पीएम मोदी और अमित शाह समेत तमाम दिग्गज अलग अलग शहरों में रैलियां करते नजर आएंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, ऐसे में प्रचार के लिए कम ही वक्त है, इसीलिए सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी राजस्थान का दौरा करेंगे, जहां वो दोपहर 1:30 बजे जालौर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर शाम 4 बजे बांसवाड़ा में भी एक चुनावी रैली करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों का तूफानी दौरा करेंगे। अमित शाह सबसे पहले पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे दार्जिलिंग में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:15 बजे बिहार के कटिहार में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री असम जाएंगे और शाम 4:15 बजे सिलचर में रोड शो होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 राज्यों में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वो सबसे पहले 11:40 बजे के करीब महाराष्ट्र के बुलढाणा में रैली करेंगे, फिर शाम 4:40 बजे पर कर्नाटक के हुबली में जनसभा के जरिए बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 12:30 बजे राजनांदगांव, 2:30 बजे कोरबा और शाम 4 बजे बिलासपुर में जनसभाएं करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और 26 अप्रैल को दूसरे फेज का चुनाव होना और उसे लेकर अब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और 3 जिलों का दौरा वो करने वाले हैं।